বাক্য শুনি বলে বৃদ্ধা বধূগণ। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग और सबको शुभ लक्ष्मी पूजो, हैप्पी कोजागोरी पूर्णिमा, हैप्पी शरद पूर्णिमा। आप सब कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे लक्ष्मी पूजा आप लोगों ने सेलिब्रेट किया? कोई कोई शरद पूर्णिमा भी करते हैं ना इंडिया पे, तो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके। और मैंने पूरा भोग लगाया, खुद कुकिंग किया। आज फ्राइडे है, 5:20 PM से इवनिंग से पूर्णिमा लग गया और सैटरडे 7:20 तक रहेगा, तो पूरा रात मिलेगा, जिसको बंगाली में निशी पालन बोलते हैं ना, तो इसीलिए मैं आज ही पूजा करने वाली हूँ। ये है मेरा आउटफिट, मैं इतने देर तक भोग बना रही थी, अभी भोग बनाना एकदम हो गया, सिर्फ मैं पापड़ फ्राई करूँगी। उससे पहले भगवान की जगह कंप्लीट सजा के फिर मैं पापड़ फ्राई करके पूजा पे बैठ जाऊँगी। आल्पना भी किया, भोग भी लगाया, अभी एकदम पूजा शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए सोचा आप लोगों को थोड़ा विश कर दूं। आप लोगों ने क्या क्या भोग पे बनाया, कैसे पूजा किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट करके, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप भेज भी सकते हो फोटो, मैं उसका फोटो लेके मेरे चैनल पे दे दूंगी या फेसबुक पे शेयर कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। और अगेन सबको शुभ लक्ष्मी पूजो, हैप्पी कोजागोरी पूर्णिमा, हैप्पी शरद पूर्णिमा। साल पे एक बार बंगाली घरों पे ये होते ही है कोजागोरी लक्ष्मी पूजा, बहुत कम घरों पे ये पूजा नहीं रहते हैं। हमारे मेरे ससुराल के तरफ पे रहते हैं, ये मायके के तरफ पे नहीं है, मायके के तरफ पे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा है। और मुझे ना बहुत खुशी मिलते हैं, जितना भी काम करना पड़ा, जितना भी मतलब बॉडी के ऊपर जितना भी स्ट्रेस हो, इतना खुशी मिलते हैं ना, कोई स्ट्रेस ही नहीं लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी आज 3 बजे आ गए थे ऑफिस से, बहुत बहुत हेल्प किया, कुकिंग मैंने किया पूरा, पर उन्होंने बहुत हेल्प किया, बार बार बर्तन धोना, सब्जी काट देना, बाजार करके लेके आना, बहुत बहुत हेल्प किया। तो सभी को चाहिए ना वाइफ को हेल्प करने के लिए, स्पेशली जहाँ पे हाउस हेल्पर नहीं है, तब उस जगह पे तो हेल्प करना ही चाहिए। तो चलिए अभी मैं पूजा शुरू करती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूजा के टाइम नहीं पर एकदम कंप्लीट जब पूजा के सजावट हो जाएगा तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। हो सके तो मैं ये चेंज भी कर सकती हूँ, देखते हैं। तो चलिए अभी, और मेरा सजावट कैसे हुआ, सब कुछ कैसे हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। भगवान की सजावट, मेरा मतलब भगवान को जो जैसे मैंने सजाया वो आपको कैसा लगा। और यहाँ पे ना ये बेड कवर धुले हुए हैं, यूज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ मैं पूजा का सामग्री रख दिए थे, जो भोग के लिए चाहिए था यहाँ पे रख दिए थे। तो चलिए अभी पूजा देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं क्या क्या पूजा के लिए मानती हूँ, ज़रूरी नहीं आप भी मानो, पर अपना मैं शेयर करती हूँ, आपको पसंद है आप मान भी सकते हो। ये ड्रेस नया है माँ का, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत छोटा ड्रेस है, तो लक्ष्मी गणेश जी दोनों का ड्रेस कंबाइन करके मैं पहनाई, माँ ने मैनेज किया, क्योंकि हम कौन होते हैं मैनेज करने वाले, तो मैंने बोला इस बार थोड़ा राजस्थानी स्टाइल से खुद को सजा लो माँ, क्या करूँ, कोलकाता तो नहीं जा पाई, तो इसीलिए ऐसे ही मैनेज किया, पर नया ड्रेस है उससे मुझे बहुत खुशी मिला। ये चुनरी दुर्गा पूजा के वक्त लगाई थी इंडियन स्टोर से खरीद के, ये भी मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, रानी कलर के ऊपर जरी और सीक्वेंस का काम किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा फेस्टिव लुक लेके
देते हैं। और ये गेंदा का चेन हस्बैंड ने लगा दिया थे, पूरा लुक ही चेंज हो गया, गेटअप ही चेंज हो गया। ये है भोग का सूजी, ड्राई फ्रूट्स देके तीन फल, और ये है खिचड़ी, खिचड़ी ड्राई ड्राई खिचड़ी, मूंग दाल और गोविंद भोग चावल का, इसमें कॉलीफ्लावर गाजर और हरे मटर देती हूँ। यह है चटपटा दम आलू, ये भी वेजिटेरियन है, इसमें भी हरे मटर और धनिया का पत्ता देती हूँ। सारे रेसिपी का जो लिंक है, वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप देख लेना प्लीज़, अगर आपको सीखना हो तो। ये टोमेटो का चटनी किशमिश दे के, ये चावल का खीर, ये पायसम नहीं है, पायश नहीं है, चावल को, गोविंद भोग चावल को पीस के मैंने ये खीर बनाई थी। छोटा सा आलपोना दिया यहाँ पे, आलपोना ना बहुत कम हो जाता है, हर वक्त मैं हर बार पूजा करती हूँ आलपोना ही कम हो जाता है। और ये था मेरा फाइनल लक्ष्मी पूजा का लुक, उस दिन गोल्ड का ज्वेलरी पहनी थी, अच्छा लगता है लक्ष्मी पूजा पे पहनना। तो आलपोना मैं ना पहले दिन अभी से कर दूंगी, और उस दिन थोड़ा सा छोटा सा पैर मैं ड्रॉ करूंगी। आलपोना, रंगोली, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं देखती हूँ एक ही दिन पे सब करना मैं चाहती हूँ ना, तो आलपोना खराब हो जाता है या छोटा हो जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है आलपोना रंगोली के लिए, क्योंकि भोग और माँ को डेकोरेट करना, पूजा प्लेस डेकोरेट करना, भोग लगाना, ये सब में ही ज़्यादा एफर्ट चले जाते हैं, तो पहले से मैं कर लूँगी। और माता सुहागन है तो इसीलिए मेरी मम्मी बोलती है कलरफुल फ्लावर से उनको डेकोरेट करो, तो रेड कार्निशन और येलो फ्लावर हस्बैंड लेके आए थे, उससे डेकोरेट किया। और मैं ना google.com से ये आलपोना का पिंक के ऊपर वाइट प्रिंट आउट निकाल लिए थे, क्योंकि यहाँ पे आलपोना देने का जगह ही नहीं है, भगवान के सामने कारपेट है ना, वॉल टू वॉल कारपेट, इसीलिए। घट का जो आम्रपल्लव आप देख रहे हो वो मेरे पेड़ का है, मेरे घर का पेड़ का है। और ये लाइट, यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड लाइट वाला कमल का फूल है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये भी मैंने अमेजोन से लिया है। यहाँ पे मैंने भोग चढ़ा दिया, लक्ष्मी जी का भोग पे तुलसी का पत्ता दिया नहीं जाते हैं, मैंने जो जो मैं मानती हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, शेयर कर रही हूँ, आपको मानना है आप मान भी सकते हो, ना भी मान सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है, पर मैं जो जानती हूँ मैंने ऐसे ही किया, वैसे ही शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ये है खिचड़ी भोग, और ये घी का दिया है, ये एकदम बिल्कुल नया दिया है मिट्टी का, तो ये माँ को सजा के, पूजा प्लेस सजा के, पूजा करके मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने मिठाई भी, सूजी भी, मिठाई के तौर पर सूजी, मीठा सूजी भी मैंने खुद बनाया, उससे भी मेरा मन बहुत खुश हो गया। और जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे ही मैंने पूजा किया, दूसरी जगह पे मैंने पूजा नहीं किया, उस जगह पे ही पूजा किया। पूजा गुरी लक्ष्मी पूजा बहुत अच्छा करके संपन्न हुआ। और आप लोगों का क्या प्लान, आप लोग शनिवार कर रही हो या फ्राइडे को ही आप लोगों ने किया? अभी तो फ्राइडे का रात है, बहुत रात हो गया, करीब करीब एक बज गए या एक बजने वाले हैं, ऐसे बहुत रात हो गया। पर ना मैं चाहती हूँ आज थोड़ा देर रात तक मैं जागती रहूँ, बोलते हैं ये अच्छा होता है कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा के दिन आप थोड़ा देर रात तक जागते रहो, और जो पूर्णिमा रात का जो पूर्णिमा है उसी दिन पूजा करो तो अच्छा होता है बोलते हैं, मतलब आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो। और ये साड़ी देखो, ये लिनन का साड़ी, यहाँ पे गोल्डन बॉर्डर है ऐसे टेम्पल, और यहाँ पे सिल्वर बॉर्डर है, मैंने प्लीट वीट नहीं किया, ये नया साड़ी है, एकदम से पहन लिया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने 2 साल पहले ही मुझे दिए थे बर्थडे पे, या 2 साड़ी दिए थे बर्थडे पे या दुर्गा पूजा के लिए। मैं ना 2 साल से मैं दुर्गा पूजा पे पहनने के लिए मैं कोशिश कर रही थी, पर इस सिचुएशन पे अभी कहाँ जाए, कौन सा ओकेशन पे जाए, इसीलिए आज ही पहन लिया। लक्ष्मी पूजा है, घर की लक्ष्मी पूजा बहुत पवित्र पूजा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लक्ष्मी पूजा करना, तो इसीलिए कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा साल पे तो एक ही बार आते हैं, इसीलिए पहन लिया। मुझे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है,
एक दिन बहुत मेकअप वेकअप करके अच्छा करके मैं ये पहनूंगी, फिर एक दिन पहनूंगी, पर आज आज नया नया पहन लिया, नहीं तो फिर 2021 पे चला जाता दुर्गा पूजा के लिए, मतलब 3 साल तक ये पड़े रहते। और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है तो कब तक ऐसे रख दे कि दुर्गा पूजा पे पहनने वाली हूँ। उस दिन जो दुर्गा पूजा का क्लब का जो रेस्टोरेंट का जो उस दिन दुर्गा पूजा का जो पार्टी था उसमें ना रेड ऑरेंज या मरून कलर थीम थे, तो इसीलिए मेरा ना मैरून रेड सारे साड़ी इंडिया पे है, तो इसीलिए उस साड़ी पे नीचे का पोर्शन लाल है ऊपर का पोर्शन ब्लू है, तो इसीलिए और रेड ब्लाउज भी है उसके साथ, रेड देखे एम्ब्रॉयडरी भी है, इसीलिए वो साड़ी मैं पहन लिए थे, तो इसीलिए ये नहीं पहन पाई, नहीं तो कोई कलर का कुछ नहीं रहता तो यही पहन के चली जाती। लिनन का साड़ी है, बहुत अच्छा, पॉम पॉम भी है इसके साथ, मुझे पॉम पॉम साड़ी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए आज पहन लिया, मन बहुत खुश हो गया। एक तो कोजागुरी लक्ष्मी पूजा और फ्रेंड का दिया हुआ साड़ी है, बहुत खुश हो रही हूँ। अभी मैं थोड़ा प्रसाद फ्रिज पे उठा के रख दूंगी, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा प्रसाद खा के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर इतना एपेटाइट नहीं थे, वो तो सो भी गए हैं। मैं जाग के थोड़ा, मतलब जितना देर तक मेरे तबीयत मेरे हेल्थ परमिट करते हैं उतना देर तक मैं जागती रहूंगी, इस बीच मैं प्रसाद फ्रिज पे उठा दूंगी, और भी कुछ वाइंड अप करना है कुछ कुछ मैं कर लूँगी। किचन का हाल बहुत ही ख़राब है देखने का लायक, तो किचन तो हस्बैंड कल सुबह कर देंगे, और सारा दिन बहुत हेल्प किया पर पूरा कुकिंग और मेन जो भगवान को सजाने का वो सब प्लानिंग मुझे करना पड़ा, सभी करते हैं कोई बात नहीं। तो मेरा लक्ष्मी पूजा बहुत अच्छा गया, मैं बहुत ही खुश हूँ, और सबको कोजागुरी लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।